क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको कहा गया द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फिगर में ये कहा गया कि स्फीयर के अंदर आपको एक कोन बनाना है, तो ध्यान से मैं कोन बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने कोन। थोड़ा फिगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कोन है आपके पास में। ठीक है, इस कोन में आप यहाँ पर डी लिख लीजिए, ठीक, इसका सेंटर आप यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर आप इसको बी लिख लीजिए और ये आपके पास हो गया सी। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ए बी सी आपको दिख रहे हैं, इसे आप जब ज्वाइन करोगे, इसे ज्वाइन करने से आपको यहाँ पर वैल्यू क्या पता चलेगी, इसे ज्वाइन करने से आपको पता चल जाएगा ये आर हो गया है, ये भी आर हो गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग रेडियस मान लेते हैं इसकी स्मॉल आर, इसको जो मैंने बी सी है मेरे पास, बी सी को मैंने स्मॉल आर ले लिया है, रेडियस ले लिया है। ठीक है जी, अब ये जो हाइट है ये वाली, इस हाइट को आप मान सकते हैं स्मॉल एच। ठीक है, चाहे तो इसे आप ऐसे निकाल लें पाइथागोरस से, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब यहाँ से ए बी की वैल्यू आप लिखोगे रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, अब आप ये बताइएगा उसने क्या कहा, कोन के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या लिखोगे, v इक्वल टू होता है कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, सही है। यहाँ पर आप इस h को जब देखोगे तो ये पूरी हाइट h, ये जो पूरी हाइट h होगी, ये h आने वाला है आपके पास कैपिटल R प्लस ए बी, और ए बी की वैल्यू अभी अभी आपने बनाई अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मेरा एच हो जाएगा, ये मेरा पूरा एच हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना चाहिए आपको, वी क्या होगा, ये जो वी होगा ये क्या होगा, एच ये रखने से जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, वी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के प्लेस पे क्या आने वाला है, एच के प्लेस पे आएगा आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये मेरा v बन के आया यहाँ पर। ठीक है भाई, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ अलग अलग लिखने के लिए, तो क्या बना 1/3 पाई आर स्क्वायर आर, ये देखो इस r के साथ गया, फिर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में गएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये जो v आया, इस v का अब आप डेरिवेटिव करिए, चलो डेरिवेटिव लगाओ, बहुत जल्दी से डेरिवेटिव लगाओ, सब लोग ट्राई करो जरा, मैं इतने इसको सिंप्लीफाई करूँगा आगे, डेरिवेटिव ट्राई कर रहे हैं आप लोग, डेरिवेटिव ट्राई करो, इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ v डैश करके, डेरिवेटिव आपका आएगा ये r, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे, ये जो पावर थी ये आगे आ गई, ये इस तरह से, फिर प्लस 1/3 पाई, अब अंदर की चीज़ें, यहाँ पर मैं ये दो चीज़ें सोच के चलूँगा, इतने वाले हिस्से को आप दो बातें, एक ये रहा एक ये रहा, दो चीज़ें मान के चलूँगा। ठीक है, इन दोनों पे करना है आपको, अंदर की चीज़ों को दोनों को पे करना है आपको, तो ये आएगा देखो आपके पास में 2 पाई आर प्लस एक आपका आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, और इसके साथ अभी अंडर रूट वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब यहाँ पर आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, इस वाले पार्ट को करोगे अब आप, ये जो दूसरे वाला मतलब इस वाले का करोगे, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को लिखोगे 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू माइनस का 2r, इस तरीके से मुझे लगाना है। ठीक है, अब आप इसे अगर सिंपल बनाते हो तो क्या आएगा, जल्दी से सिंपल बनाओ, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, इसे सिंपल बनाने पे r डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3 पाई r, ये r ये वाला भी रहेगा साथ में, प्लस आपके पास यहाँ आएगा 2 पाई r r स्क्वायर माइनस 3 पाई
आर स्क्वायर अपॉन, वो एलसीएम लेने के बाद आपको कुछ ऐसा होगा, इस तरह की चीज़ आ जाएगी। इसी का यहीं पे आप डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसे डबल डेरिवेटिव को यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे। डबल डेरिवेटिव का रोल मैं इसलिए ज़्यादा नहीं मानता हूँ क्योंकि उससे तो बस केवल मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना होता है। क्या करना होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको जीरो रखेंगे। वी डैश को क्या करते थे हम लोग? जीरो रखते थे। जब इस वी डैश को जीरो रखोगे तो सिंप्लीफाई बनाओगे। सिंप्लीफाई ध्यान से करना है, इसको सिंप्लीफाई ध्यान से करना। वैसे मैं लिख देता हूँ क्या आएगा यहाँ पर, सिंप्लीफाई करने पाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8/9, ये वाला है। इस तरह से आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। और इस आर स्क्वायर पर ये जो आपने यहाँ डबल डेरिवेटिव निकाला है, ये आपका आएगा लेस देन जीरो। क्या आएगा डबल डेरिवेटिव? लेस देन जीरो। इसका मतलब आपका वी मैक्सिमम हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू जो थी आपकी, ये ध्यान से समझ लीजिए, ये सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, जल्दी से करो इसको। चलो अभी आगे बताता हूँ। एच क्या लिखोगे? ये तो आर स्क्वायर आ गया। एच लिखोगे आप आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू, ये सॉरी कैपिटल आर था, यहाँ स्मॉल आर था। कैपिटल स्मॉल का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार, हमने देखा है इसमें कई बार गलती होती है। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आप यहाँ इसको लेकर के आओगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये एच आपके पास जो आएगा, ये वाला आएगा 4R/3, ये आपका एच है, ठीक है भाई, ये आपका एच है। इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा और सिंपल बनाना है। अब हमें वॉल्यूम की बात करनी है, अब हम वॉल्यूम पे जाने वाले हैं। कैलकुलेशन का गेम, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन का गेम है बस। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जाते हैं अपने वॉल्यूम पर। वॉल्यूम ऑफ कौन आएगा? 1/3 πr², ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया आपके पास, ठीक है। वैल्यू रखते रहते 1/3 πr, आर की वैल्यू हो गई 8r² / 9, ये आर स्क्वायर था, और ये आएगा 4/3 r, ठीक है, 4/3 r। इसको आप अगर सिंप्लीफाई बनाएंगे तो ये 8 × 4/3 × 27, ये आपका 27, ये आपका πr³, ठीक है। अब आप ये दोनों और ये एक साथ ले लीजिए, 8/27 अलग ले लीजिए, 4/3 πr³, ये आपका जो वॉल्यूम है ना, ये स्फीयर का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का वॉल्यूम। इसका मतलब जो कोण का वॉल्यूम होगा, यानी कि v कोण इक्वल टू हो गया 8/27 v² ये आप ध्यान, ये आपको काम करना, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें, ओके। जल्दी से देखें, फिर मैं इसको बताता हूँ यहाँ से, अगला क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, क्या कहा है उसने, कहा सो दैट द राइट सर्कुलर कोण ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। देखो वर्डिंग से पता चल रहा है, अगर ये सरफेस बोलता ना तो सरफेस में मैं इस्तेमाल जो करता है यहाँ पर, सरफेस में इस्तेमाल करता मैं अपना टोटल सरफेस एरिया, लेकिन इसने क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया पे ही रखना है मुझे, दूसरी चीज़ को मैं नहीं लूँगा, ठीक है। चलो आगे क्या कहा उसने, कर्व सरफेस एरिया के बाद बोला है उसने, एंड गिवन वॉल्यूम हैज़, गिवन वॉल्यूम मतलब इस बार आपको वॉल्यूम दे रहा है, क्या दे रहा है इस बार आपको, वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इसको, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि स्पेस हमें मिल जाए। 24 क्वेश्चन में लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एस इक्वल टू होता है πr², ठीक है, और वॉल्यूम होता है आपका कोण का। ये दो चीज़ें मैंने पढ़ रखी, तो यहाँ से अगर मैं एच लिखना चाहूँ तो एच हो जाएगा 3v/πr², क्या हो जाएगा 3v/πr², ठीक है।
सहना है। अब आप ये बताइएगा, जब आप कर्व सरफेस एरिया की बात करते हो लीस्ट की, तो यहाँ पे तो एल आया हुआ है। अब एल होता है, आप कोण ऐसे बनाएंगे, ये आर है, ये एच है, ये एल है, तो ये जो एल होता है ये कुछ इस तरीके से पाइथागोरस का रूल फॉलो करते हुए निकलता है। ठीक, तो ये जो एल है वो आपका किस पे डिपेंड हुआ भाई, एच और आर पे हुआ ना। तो मैं इसको फिर जब एल लिखूंगा तो ये बातें अंडर रूट में चली जाएंगी, ये वाली चीज़ क्या आएगी, अंडर रूट में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो एल है उसकी वैल्यू, तो एस इक्वल टू हुआ पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाई आर से कोई लेना देना नहीं है अंडर रूट के अंदर। अब ये एच का काम कर रहा है ये वाला, तो ये जाएगा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर फोर प्लस आर स्क्वायर, ये इस तरीके से मेरा यहाँ पर आना चाहिए। अब मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, तो एस इक्वल टू हुआ पाई आर रूट के अंदर एलसीएम, और ये बनेगा तुम्हारा 9v² प्लस पाई स्क्वायर आर सिक्स, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर सिक्स, ठीक है। अब इसको आप सिंपल बनाएंगे, इसको सिंपल बनाएंगे तो आपका पाई आर के साथ नीचे आने वाला है पाई आर स्क्वायर, ये रूट में रह गया 9v² माइनस सॉरी प्लस है, ऐसा कुछ आएगा। ये आपके पास सरफेस एरिया हुआ, इसे आप कैंसिल कर दीजिए, इससे ये भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब एस जो बचेगा वो कुछ इस तरीके का बचेगा, ये मेरे पास बच गया, ये एस बच गया। अब आपका काम क्या है, एस की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, अब इसके आगे हम लोग एक ही बात है, डेरिवेटिव करना। क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव करेंगे। चलिए डेरिवेटिव लगाओ इसको, डी एस अपॉन डी आर, या इसे मैं एस डैश कहूँगा। ये आपके पास दो तरीके के चीज़ें हैं, एक आपका क्वेश्चन रूल वाला जाएगा, देखो नीचे आएगा आर स्क्वायर, ऊपर आर आएगा, और इसका ये जो ये वाला पार्ट है ना इसका डेरिवेटिव देखो 1/2 रूट के अंदर पूरा, इस तरह से रूट के अंदर पूरा आएगा इनटू, अब इसका ब्रैकेट का करोगे तो ये 6π² आर की 5 हो जाएगा, ये इस तरह से। अभी ये तो मैंने एक पार्ट किया, अब अगली बार माइनस का साइन लगेगा, माइनस के साइन के बाद ये वाला पार्ट ऊपर वाला ऐसी रहेगा 9v² माइनस सॉरी प्लस π² आर की पावर 6 इंटू 1 आ जाएगा, ये मेरा डेरिवेटिव हो गया, ये क्या हो गया मेरा पूरा डेरिवेटिव, ठीक है भाई। इसको सिंपल बनाते हैं हम लोग, तो ये जो एस डैश कह रहा हूँ इसको क्या बोलता हूँ, एस डैश बोल देता हूँ, कायदे से लिख लेता हूँ, एस डैश आपका सिंप्लीफाई करने के बाद ये एलसीएम वगैरह लेकर के जो आएगा वो लिख लीजिए आप ध्यान से, π² आर की पावर 6 2 आगे माइनस 9v² अपॉन आपका ये आर स्क्वायर, और अंडर रूट वाला पार्ट एलसीएम के बाद 9v² प्लस π² आर की पावर 6, ऐसा मेरे को मिल जाएगा, ये चीज़ मेरे को मिल जाएगा। इसके बाद आपका क्या काम है, इसके बाद आपका काम है डबल डेरिवेटिव निकाल के छोड़ दो, ठीक है भाई। अब इसको कर दो जीरो, क्या कर दो इसको, एस डैश एक्स को जीरो रखोगे, एस डैश को जीरो रखने से यहाँ से मिलेगा आर की पावर 6 इक्वल टू 9v² अपॉन 2π², इस तरह से आपके पास आ जाना चाहिए, ये चीज़ देखो इस तरह से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू 9v² अपॉन 2π², ओके। अब आपका क्या काम है, अब आपको ये जो वैल्यू आपने निकाली, ये मैं आप हटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए होगा, ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा ये देखो क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए स्पेस आपका ठीक ठाक होना चाहिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा समझे। चलो अब मैं बात कर रहा था आगे मैं अब क्या करता हूँ, मैं इसमें आपको ये तो मिल गया है यहाँ पर आर की पावर 6, ठीक है जी। आर की पावर 6 से मैं एच बनाना चाहूँगा, क्या बनाना चाहूँगा एच, तो एच आपका जब आर की पावर 6 वाले इस वाले से जब एच की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास आएगा अब एच इक्वल टू 3v अपॉन, ये आपके पास ऐसे था एच इक्वल टू ये, अब आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ से v की वैल्यू रख दो यहाँ पर, भाई मुझे तो क्या करना है,
मुझे तो आपका ये हटाना है, वी हटना चाहिए, एच आर का रिलेशन चाहिए, इसका रिलेशन चाहिए, एच एंड आर का रिलेशन चाहिए। तो मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पर कि स्क्वायर कर लो, अभी देखते हैं, स्क्वायर कर लो, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9v² अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, अब ये 9v² को एक बार में, 9v² को पूरे को ही जो 6 स्क्वायर, ये तो लग दो भाई, एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा ही आ जाएगा 2π² आर की पावर 6 अपॉन पाई स्क्वायर आर की 4। इससे निपटाओ, इससे निपटाओगे तो आर स्क्वायर आएगा, मतलब एच स्क्वायर आएगा 2r². यहाँ से h आएगा √2r। अब आप देखो एल्टीट्यूड, h क्या है, h तो देखो कोण में, ये h ये था ना मेरा, कोण में ये h था, तो ये जो h है वो इस रेडियस का √2 टाइम हो गया, कितना हो गया, ये √2 टाइम हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर √2 टाइम। यही बात वो मुझसे कह रहे थे कि भैया सॉरी ये वाला कि वो आपका √2 टाइम हो जाएगा। जल्दी से देख लें इसको, मैं इसको इतने हटा लेता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेशन का गेम है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आसान रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, एंड ऑफ गिवन स्लेंट हाइट, मतलब आपको स्लेंट हाइट इस बार वो दे रहा है। ठीक है, मैं बनाता हूँ फिगर, उस पर मैं उस केवल समझा के छोड़ूंगा, आप ट्राई करेंगे उसको। आर है, एच है, एल है, इस बार ये एल दे रहा है, एल गिवन, ठीक है, एल गिवन है आपको, और मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है। वी इक्वल टू हम अभी पढ़ गया पायर स्क्वायर एच, और ये एंगल अल्फा की बात कर रहा है। तो टेन अल्फा आपको क्या चाहिए, टेन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन एच, मतलब अगर आर एच का रिलेशन आ गया, इसका रिलेशन आ गया आर एच, तो आपका आंसर बन गया। ठीक है भाई, अगर आर एच का रिलेशन निकाल दिया तो आपका आंसर बन गया, तो वी इक्वल टू ये होता है, इस एच के प्लेस पे कौन आएगा, एच के प्लस पाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भैया अब आपका काम है डेरिवेटिव वगैरह करना, डेरिवेटिव वगैरह करके आप यहाँ पर आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल निकालेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल आ जाएगी, और फिर एच भी निकाल लेंगे, तो एच एंड आर दोनों आपकी एल फॉर्म में होंगी, किस फॉर्म में होंगी, एल की फॉर्म में होंगी, बस आपको इतना काम करना है, एल की फॉर्म में आ जाएगा फिर तो मेरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये यहाँ पर रख देना ना आर एच की वैल्यू, इसको फिर डबल डेरिवेटिव में टेस्ट भी करा देना आपको। सेमी वर्टिकल एंगल, इसी तरह की कुछ बात हो रही है, गिवन सरफेस, गिवन सरफेस का मतलब है s इक्वल टू आपको पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से l आपका बन जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आपका l बन जाएगा। और ये देखो आपको इस बार, इस वाले में अगली बार आपको क्या पूछा है उसमें देखो साइन, तो साइन थीटा जो है या अल्फा मान लीजिए, साइन अल्फा अगर मैं निकालूंगा तो आर अपॉन एल आएगा, क्या आएगा, साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन एल आएगा। ठीक है जी, ये आर अपॉन एल है, तो इसका मतलब आर और एल का रिलेशन चाहिए। तो ये देखो यहाँ से मैं आर की वैल्यू बना दी, मैंने ये एल की वैल्यू बना दी ना आर की टर्म में, अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस एच के प्लेस पर आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर की जगह रख देना एल की जगह, और सिंप्लीफाई करना है ऊपर। अभी क्वेश्चन हमने इसी तरह का लगाया है, इसी टिपिकल लेवल का क्वेश्चन था वो। ठीक है जी, चलो अब अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। इसमें कहा गया द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर कोई पॉइंट जो है नियरेस्ट, नियरेस्ट पॉइंट की बात है। एक बात बताओ नियरेस्ट पॉइंट किसे बोलेंगे, नियरेस्ट पॉइंट बोलेंगे जिसकी डिस्टेंस कम होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मिनिमा का केस है, इसका केस है मिनिमम का केस है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट अगर मान लेते हैं कोई पी, तो एक एक्स मान लेते हैं एक वाई, अब वाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, अगर आप वाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या निकालोगे, यहाँ से वाई, वाई आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू, उसका मतलब पी क्या होगा, एक्स कॉमा
एक्स स्क्वायर बाई टू, ये क्या होगा एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पॉइंट के लिए एंड 05 के लिए, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ ऐसे यूज कर रहा हूँ, आप सॉरी 5 है, ये आपका 5 है, ये अब आप d इक्वल टू जो लिखेंगे वो लिखेंगे इस तरीके का। इसके बाद आपको ये डेरिवेटिव करना है, क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके इसको थोड़ा सा सिंपल बना देना, फिर सिंपल बनाने के बाद d डैश को आपको जीरो रख देना, क्या कर देना d डैश को जीरो रखना है, d डैश को जीरो रखने से आपकी वैल्यू x की आ जाएगी, ठीक है, किसकी वैल्यू आएगी x की, ठीक है जी, ध्यान से करेंगे इसको और उससे फिर मेरा आ जाएगा। इस पर पहुँचे y इक्वल टू मिनिमा की बात हो रही है, डिफरेंशिएट करूँगा मैं, क्या करूँगा वाई डैश निकालूंगा, वाई डैश को जीरो रखूँगा, एक्स के लिए सॉल्व करूँगा, एक्स के लिए सॉल्व करके वाई डबल डैश को चेक करूँगा, लेस देन जीरो पर मैक्सिमम और ग्रेटर देन जीरो पर मिनिमम वैल्यू, उसके बाद का काम तो मुझे मालूम है, उसके बाद क्या करना है मुझे उस वैल्यू को यहाँ रख देना है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकलती है वाई की वैल्यू से, इसकी वैल्यू से, ये जो वाई इक्वल टू जिस पर मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को यहाँ रखोगे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे को करना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को मूव करते हैं, लास्ट वाला वो लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे लास्ट क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू या मैं कह दूँ fx इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके इसको जीरो रखना है, जीरो रखने के बाद आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर x के लिए जीरो रख करके निकाल देंगे। देखो मैं y ऐसे मान लेता हूँ x x माइनस वन प्लस वन इसकी पावर 1/3, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा मतलब y डैश तो 1/3 पावर आ गई, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ऐसे इसकी पावर माइनस के 2/3 इंटू ये माइनस के 2/3 इंटू इसके बाद आपको ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करना है तो 2x माइनस वन इसको आप जीरो रखते हो याद होगा, इसको क्या करना है मेरे को जीरो रख देना, जीरो रखने के बाद में आपका क्या है एक्स की वैल्यू आ गई ना, अब एक्स की वैल्यू से आप क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर दो, ठीक है डबल डेरिवेटिव कर दो इसका, डबल डेरिवेटिव को आप देख लेना 1/2 रखने से, ठीक है ये आप ये भी देख सकते हैं कि 0-1 आपका ऐसे क्लोज इंटरवल केस है तो ये 1/2 इसे सेटिस्फाई भी करता है, ये 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0-1 के बीच है, तो ये आपका एब्सोल्यूट केस वाला जिसमें इंटरवल देते हैं इस तरीके से, इंटरवल दे दिया गया अगर इस तरीके से तो एब्सोल्यूट का केस है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो आपको क्या क्या करना है आपको एफ जीरो निकालना है, एफ हाफ निकालना है, एफ वन निकालना, इन तीनों वैल्यूज़ पर जो सबसे ज़्यादा आएगी वो मैक्सिमम, जो सबसे कम आएगी वो मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम इसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा।